हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चों, आज हम आपका सिक्स क्लास से पैक्ड विद द सन बुक से फिफ्थ चैप्टर तानसेन की स्टोरी आपको बताएं, ठीक है? यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। जैसा कि आप लोग, तानसेन का नाम आपने सुना ही होगा, ये एक ग्रेट म्यूजिशियन थे हमारे देश के। A single tall Mukundan Mishra was and his wife lived in Behat near Gwalior. एक सिंगर थे जो कि मुकुंदन मिश्रा के नाम से जाने जाते थे और उनकी वाइफ वो बेहट में ग्वालियर के पास रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनकी सिर्फ एक लौती औलाद थी। इट इज सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। कहा जाता है कि वो बहुत शरारती बच्चा था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. वो क्या करते थे? जंगल में चले जाते थे और वहाँ खेलते थे। और क्या करते थे? चिड़िया की और एनिमल्स की अलग अलग आवाजें निकालते थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक फेमस सिंगर जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो एक दिन जंगल में से जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तानसेन सॉ देम। उनके साथियों को थक गए और रेस्ट करने के लिए एक छायादार जगह ढूंढने लगे और वो वहां पर बैठ गए। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने कहा, स्ट्रेंजर्स जंगल में, इट विल बी फन टू द फ्राइटेंड देम। इसमें तो बहुत मजा आएगा, मैंने डराऊंगा। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोवर्ड लाइक अ टाइगर। वो पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने टाइगर के दहाड़ने की आवाज निकाली। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। डोंट अफ्रेड, ही सैड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो जो जो ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, वो डर गए। स्वामी हरिदास ने कहा, आप लोग डरो मत, सारे टाइगर्स डेंजरस, खतरनाक नहीं होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा टाइगर है। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। अचानक उसको एक आदमी ने देखा कि एक छोटा लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उन्होंने अपने मास्टर को कहा कि यहाँ पे ये टाइगर, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, ये तो एक शरारती बच्चा है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन'स फादर एंड सेड, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। स्वामी हरिदास ने उसको पनिश, तानसेन को पनिश नहीं किया, सजा नहीं दी। वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने कहा, आपका बेटा बड़ा शरारती है पर ये बहुत टैलेंटेड भी है। उन्होंने कहा, ये साथ ही बहुत टैलेंटेड भी है, यानी कि इसमें बहुत हुनर है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मुझे लगता है कि अच्छे सिंगर ही एक अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। तानसेन जब 10 साल के थे तब वो स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, वो उनके साथ 11 साल रहे। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, उन्होंने वहां म्यूजिक सीखा और एक महान सिंगर बने। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, मुकुंदन मिश्रा डाइड, विच दैट वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। इसी दौरान क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। मुकुंद मिश्रा मरने से पहले, ये मुकुंद मिश्रा यानी कि तानसेन के पिताजी की इच्छा थी कि वो मोहम्मद गौस ग्वालियर में जाकर विजिट करें उनके पास। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन, मोहम्मद गौस एक पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। मुकुंद मिश्रा उनको बहुत मानते थे और वहां पे के पास जाते थे। व्हाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वाज ऑफन टॉक टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मिगलैनी, हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर्सेल्फ। जब तानसेन ग्वालियर गए तो वो मोहम्मद गौस के यहाँ गए। तानसेन ने देखा कि उनके कोर्ट में रानी मृगनैनी हैं, जो बहुत बड़ी म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं। देर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट,
उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। हर नेम वॉज हुसैनी, उनका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपाइल। हुसैनी भी जो थी स्वामी हरिदास की शिष्य थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी से 5 बच्चे हुए जो सारे ही म्यूजिशियन थे। तानसेन हैड बाय द टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन कुछ ही समय में बहुत फेमस हो गए। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। वो कभी कभी अकबर एम्परर जो थे राजा अकबर उनके दरबार में भी गाने जाते थे। हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्ट तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। तो अकबर जो थे उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने कहा कि वो उनके कोर्ट को ज्वाइन करें, कि वो हमेशा के लिए उनके कोर्ट में आए और यहाँ पे गाना गाएं। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तानसेन जो थे अकबर कोर्ट में 1556 में गए एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। तो जो अकबर थे उनके सिंगर फेवरेट सिंगर बन चुके थे तानसेन और वो उनको किसी भी समय दिन या रात बुला के उनसे गाना सुनते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कभी कभी वो उनके घर भी चले जाया करते थे और उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स और वो तानसेन को बहुत से तोहफे भी देते थे। सम ऑफ द कोर्टरीज बिकम जेलस ऑफ तानसेन। कुछ कोर्टरीज जो थे वो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रुइन। कि हम नहीं चाहते कि तानसेन यहाँ पर रहे। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनमें से एक कोर्टियर्स थे शौकत मियाँ, उनको एक आइडिया आया। ठीक है बच्चों।